बीजापुर से सामने आ रही है। आपको बताया जाएंगे बीजापुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, वाहन चेकिंग के दौरान 3 लाख पकड़ा है। बड़ी खबर आपको बता दें बीजापुर से, जहां वाहन चेकिंग के दौरान 3 लाख रुपए पकड़ाए हैं पुलिस ने, जब्त किए 3,93,000 रुपए। बड़ी खबर इस वक्त की बीजापुर से, वाहन चेकिंग के दौरान 3 लाख से भी अधिक की राशि जब्त की गई है। चार पहिया वाहन से पुलिस ने पकड़ी रकम। चार लोगों के मोबाइल भी हुए जब्त। लेखा जोखा नहीं मिलने पर भोपालपट्टनम पुलिस की कार्रवाई। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश अल्लूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, वाहन चेकिंग के दौरान बीजापुर में 3 लाख रुपए जब्त किए गए हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको, तस्वीरों में साफ आप देख पा रहे हैं कि यूपी की एक गाड़ी नजर आ रही है एसयूवी, और उसके अंदर से 3,93,000 रुपए जब्त किया गया है। मैं आपको बता दूं भोपालपट्टनम और इसी तेलंगाना का जो रूट है ये काफी संवेदनशील क्षेत्र है, और यहाँ पे फॉरेस्ट नाका है केवल, उसके अलावा आरटीओ नाका नहीं है, जिसके वजह से बेखौफ तरीके से यहाँ पे जो लुटेरे हैं वो षड्यंत्र रचते हुए और अनेकों प्रकार से, कभी सागौन के कभी अन्य प्रकार के तस्करियों में शामिल होते रहे हैं, और इसी प्रकार से शामिल में ही ये 3,93,000 रुपए को पकड़ने का जो दावा पुलिस ने किया है वो कहीं ना कहीं सत्यता साबित हो रही है इससे, क्योंकि जो गाड़ी यहाँ पे नजर आ रही है वो यूपी की गाड़ी है, और उड़ीसा के लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, उड़ीसा और तेलंगाना के लोग बैठे हुए थे गाड़ी में, उनके पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं था कि आखिर पैसा कहाँ कहाँ है, किस प्रकार का पैसा है। संदिग्ध के तौर पर इनको कार्रवाई पकड़ा गया, और उसके बाद में भोपालपट्टनम थाना अंतर्गत जो जीवन कुमार जांगड़े जो थाना प्रभारी है उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जी सतीश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बड़ी खबर बीजापुर से, आपको बता दें वाहन चेकिंग के दौरान 3 लाख रुपए पकड़ाए।